लोग रिएक्ट करने वाले हैं जो पहला गाना आया है कुक स्टूडियो एपिसोड 3 का रोए रोए, रोए। और जिसका हम लोग ने बिहाइंड द सीन अपलोड कर चुके हैं साहिर जी बग्गा एंड मोमिना मुस्तहसन जी गाना तो उसमें ज्यादा दिया नहीं था बिहाइंड द सीन वही वही दिलावे कैसा दर्द मिलावे ओ मेरे खुदाया क्यों दर्द बनाया ऐसे छोड़ना दिल तोड़ना ये कोई मजाक तो नहीं रोए अपने ना तुम हुए क्यों सीने से लगाया था क्यों अजनबी हुए छोड़ना दिल तोड़ना ये कोई मजाक तो नहीं रोए रोए नैना मेरे रोए रोए नैना मेरे रोए रोए नैना मेरे रोए क्या मेरे दिल को तोड़ना जरूरी
मैंने कहा लग रहा था मुझे, मैंने नहीं, नहीं नहीं रो रहे थे आखिर में, तो रो दिया मैंने। और क्या कहोगे भाई, ये जो सॉन्ग था सीधा उसने मतलब जो कहानी बयां की शब्दों में, मतलब जो सचमुच में होता है रियल लाइफ स्टोरी, हम लोग पहले ये चीज़ गेस कर रहे थे कि जो भी रियल लाइफ स्टोरी होगी वो हमारे सामने आएगी और एकदम वही हुआ। प्रेडिक्शन तो उन्होंने बोला ही था कि हाँ, कि एकदम रियल होगा और ये बात होगा कि जो हम लोग किसी से कह नहीं पाते उस टाइप का होगा, तो ये सारी चीज़ें काफ़ी हद तक समझ आ रही थी पहले। मोमिना मुस्तहसन जिनने उस कुछ बोल रहे थे, दूसरे में उन्होंने कहा कि ऐसा क्यों नहीं हुआ, तीसरे में उसका रिप्लाई आया, मतलब तीनों तीनों जो स्टैंजर्स पैराग्राफ से जो कह सकते हो, मतलब एक लाइफ के अलग अलग स्टेजेस थे वो, कि ये स्टेज भी आता है सबके पास, सारी शिकायतें भी थी कि खुदा से भी शिकायत कर रहे हैं कि यार इतनी सारी चीजें थी मैं ही मिला था क्या, मतलब करने के, मतलब हर किसी के, मेरे ख्याल से ये गाना कहते हैं ना कि लूप पे चलेगा, तुम्हारे हिसाब से लूप पे चलेगा, कई लोग लूप पे चलेगा क्योंकि लगातार यहाँ पे ऐसे बहुत लोग होंगे जो ऐसे एकदम इंस्पायर हो जाएंगे सॉन्ग से। और वर्डिंग भी बहुत सिंपल थी, मतलब जैसे बहुत टफ वर्ड्स नहीं यूज़ किए। और पता है दो स्टेजेस के बाद जब लोग ना थे कि क्या कहते हैं गाना थोड़ा सा एकदम सैड में जा रहा है, तो उन्होंने थोड़ा रॉक टाइप का, रॉक टाइप का नहीं आवाज उठा दी थी खूब तेजी से जोश में आके जो गाए थे थर्ड स्टेंजर, एंड में थोड़ा सा वो लास्ट वाला लाइन खूब तेजी से किया, थोड़ा सा हाँ फील आया वापस वही वाला भाई छा गई है, जैसे बहुत ज्यादा उसको सीरियस नहीं बनाना चाह रहे होंगे एकदम, वही 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 सीरियस नहीं बनाना चाह रहे थे भाई, बिखर जाएंगे आदमी टूट के, वही मैं कह रहा हूँ भाई। मोमिना मुस्तहसन अबीना क्या क्या नाम था साहिर अली का गजब, और इनकी भी आवाज़ मुझे काफी डिफरेंट लगी इस बार, जैसे हम लोग ने एक ही गाना तो सुना है इनका इसके पहले, बाजी जो सुना था उसमें इन्होंने बहुत टिपिकल वे में गाया था, मतलब बहुत टोन चेंज की थी उन्होंने आवाज की जब टोन चेंज की थी, तो इस बार तो काफ़ी डिफरेंट था, कि इस बार उन्होंने सिंपल वे में उसको रखा, मतलब थोड़ा अंडरटोन रखा, ये नहीं कि बहुत ज़्यादा उन्होंने आवाज़ के साथ कुछ किया हो, लेकिन जो किया ना वो जो सडलनेस थी बहुत गजब थी, मजा आ गया सच में। रोए रोए का लुक भी समझ में आ गया कि रोए रोए आखिर में उनके आँख में आंसू भी थे, क्योंकि ये लिखा भी तो उन्होंने था शायद, क्योंकि वो बता रहे थे बिहाइंड द सीन्स में लिखा हुआ था, वो ऐसे सॉन्ग्स लिखते भी हैं जहाँ तक, क्योंकि पब्लिक भी इतनी कह रही थी कि उन्होंने काफ़ी लोगों को सुपरस्टार एक बनाया है, काफ़ी लोगों को उनकी मंजिल पहुंचाई और अब उनकी वारी है। और ये बात थी मैं कि इस बार पूरे ऊपर से नीचे तक वही थे, क्योंकि लिखा हुआ भी उन्हीं का, गाया भी उन्हीं का, मतलब कि मोमिना मुस्तहसन को भी क्रेडिट जाएगा, लेकिन उन्होंने भी काफ़ी हद तक उन्होंने पूरा काम। अच्छा मैंने एक चीज़ और नोटिस की, पता नहीं वो इस चीज़ से है कि नहीं, कि देखा है कि जितने भी लोग सिंगर जो यहाँ खड़े थे उनके नीचे एक मैट रखा हुआ था, वो मेरे ख्याल से एक तरह से म्यूजिक को कहते हैं ना कि बहुत बड़ी चीज़ मानते हैं, इसलिए एज अ ट्रिब्यूट तुम कह सकते हो या फिर कह सकते हो कि रिस्पेक्ट, हमेशा एक किसी चीज़ पे खड़े हुए गाते हैं, ये नहीं होता कि आप ज़मीन पे खड़े हुए गा रहे हैं कुछ, इसका मतलब था, मतलब मैंने किसी से सुना था कि जब भी कोई सिंगर गाता है तो मतलब वो हमेशा एक चीज़ रखता है, ये मैंने देखा, मैंने ये चीज नोटिस की, जितने भी लोग खड़े थे वहाँ बैठे थे सबके नीचे मैट रखा हुआ, जो बैठा होगा उसका वो तो था, लेकिन ये दोनों खड़े थे मोमिना जी और ये, इनके नीचे भी मैट रखा हुआ था, कारपेट ना, कारपेट सॉरी मैट मैं कह रहा हूँ, कारपेट रखा था। चलिए ये तुमने एक चीज नोटिस, पता नहीं मतलब नोटिस मैंने की तो मुझे लगा कि हो सकता है म्यूजिक को मतलब एक नहीं कहते हैं कि बहुत कुछ मानते हैं, जमीन पे ना पड़ा तो शायद ऐसा कुछ हो तो प्लीज बोलिएगा, मतलब मेरा गेस था ये। हाँ जैसे किसी वैल्यूएबल चीज को तुम ऐसे ही छोड़ ऐसे नहीं छोड़ देते हैं, वैसे हमारा मतलब हो सकता है ऐसे ही हो, पब्लिक बताएगी कमेंट में। चलिए वैसे काफ़ी ये अलग है ना, मतलब पहले जितने भी गाने आ रहे थे वो काफ़ी अलग थे, कोक्स वीडियो की स्टार्टिंग यहाँ से हुई है, तुम ऐसा कहना चाह रहे हैं? नहीं ऐसा नहीं कहना चाह रहा, स्टार्टिंग स्टार्ट से ही हुई है सीधी सी बात, लेकिन क्योंकि ये गाना थोड़ा दिल पे लगा जाके नहीं वो तो डिपेंड करता है, ऐसा नहीं है बहुत लोगों ने जैसे शिकवा जवाब, शिकवा भी बहुत वो तो उनकी कंट्री के लिए जरूर लगा होगा, उनकी कंट्री और एज एन रिलीजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वो था पोएम थी, वो यूथ कुछ हुए गए सॉन्ग में भाई, लेकिन अब उसके हिसाब से बहुत सारे बन जाते हैं ना, लेकिन ये थोड़ा अलग था, मतलब बहुत अलग जनरे में आ गए हम लोग इसमें, देखो और क्या क्या सरप्राइजेस रखा है, बिना मुझसे ऐसे में कमाल है, देखें और क्या क्या सरप्राइजेस रखे हैं, अभी दो सॉन्ग्स और हमारे पास और हम जल्द ही रिएक्शन लेके हाजिर होंगे आपके पास, चलिए हम लोग का रिएक्शन यही देखते हैं, थैंक यू।